घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। सनातन चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसकी हर नौकरी करने वाले को, काम करने वाले को इस बात की जिज्ञासा रहती है कि उसका ट्रांसफर कहाँ होगा, कब होगा उसका ट्रांसफर, किस दिशा में होगा उसका ट्रांसफर और कैसा रहेगा उसका ट्रांसफर। तो कुंडली में आप कुंडली को अपनी देख करके बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि वह योग कब निर्मित हो रहा है आपकी जन्म कुंडली में, जब आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत साधारण है, अगर आप जन्म कुंडली रखते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और अगर आप उनका ध्यान रख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि आपका ट्रांसफर कब होगा, किस दिशा में होगा और यह ट्रांसफर आपके लिए ठीक होगा कि नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपनी कुंडली का लग्न चार्ट खोलना है। लग्न चार्ट जो आप सब लोग जानते ही हैं कि पहला चार्ट होता है और इसमें ये देखना है कि लग्नेश, लग्न में स्थित जो ग्रह है उसका छठे, आठवें और बारहवें भाव में वो कहीं बैठा तो नहीं है। उसकी स्थिति जो है वह छठे, आठवें, बारहवें में तो नहीं है। अगर लग्नेश छठे, आठवें, बारहवें भाव में बैठा है तो वह अपनी दशा यानी महादशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा में ट्रांसफर का योग बनाता है। अब आता है कि दूसरा कौन सा ऐसा योग है, तो ट्रांसफर सीधे सीधे कर्म से जुड़ा है, नौकरी काम से जुड़ा हुआ है। तो कर्म का कौन सा भाव है, तो कर्म का भाव है दशम। अगर दशम भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी दशा, अंतर दशा में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और अब इसके बाद आता है घर। तो घर जो सुख का कारक होता है, उस घर से आपका नाता कब टूटेगा, कब आपको घर छोड़ना पड़ेगा, तो वह घर का जो भाव है वो चतुर्थ भाव है। अगर चतुर्थ भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो शत्रु राशिस्थ है, जो पाप पीड़ित है, जो किसी भी तरह से लग्न कर्म से संबंध बना रहा है और वह पापक ग्रह से दृष्ट है, ऐसी स्थिति में उस ग्रह की दशा, अंतरदशा में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब आता है कि कर्म का कारक कौन है, तो कर्म का कारक जो है वह सूर्य होता है। सूर्य यदि किसी भी तरह से दशमेश से युति बनाए, दृष्टि संबंध बनाए, पाप पीड़ित हो जाए, किसी भी तरह से सूर्य यदि पीड़ित हो रहा है तो जिस ग्रह से वो पीड़ित हो रहा है उसकी दशा, अंतरदशा में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके बाद जो घर आता है जहां से आप अपने ट्रांसफर को देख सकते हैं, तो वह घर है छठा और आठवां और तीसरा। छठे, आठवें और तीसरे ग्रह में, घर में अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो पापक ग्रह है, जो पाप पीड़ित है, तो ऐसे ग्रहों के दशा, अंतरदशा में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो कम से कम पांच ऐसे योग बन रहे हैं जब आपके ट्रांसफर की संभावना बनती है, और ये योग किसी न किसी रूप में हर समय विद्यमान रहते हैं। तो कई बार आपको बहुत दूर ट्रांसफर हो जाता है और कई बार आपको डिपार्टमेंट के अंदर ही ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बहुत सहज रूप से अपने कुंडली को देख करके यह स्वयं ही जान सकते हैं
कि हमारा ट्रांसफर कब होगा। अब अगले एपिसोड में हम आपको बात करेंगे कि यदि आप मनोवांछित ट्रांसफर चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका ट्रांसफर ऐसी जगह पे हो जाए जहां आप खुद चाहते हैं कि हमारी फला जगह पे ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, इस बारे में हम लोग अगले अंक में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री।